So, कैश कांड में ईडी ने आप लोगों को बुलाया है 13, 16 और 17 को, कोई सम्मन जारी हुआ है? आप लोगों को मिला है सम्मन? क्या कुछ? देखिए, सब प्रथम मैं कहना चाहूंगा, कांड किसको बोला जाता है और कैश किसको बोला जाता है। हमारे पास में जो रुपया था, 3 लोगों का रुपया था, और कैश कांड करोड़ों रुपया को बोला जाता है, लेकिन मीडिया में इतना चल गया कि कैश कांड कैश कांड। कोई करोड़ों रुपया था क्या? अरे, करोड़ों अरबों रुपया जहाँ पे मिले उसको कांड कहा जाता है, उसको कैश कांड कहा जाता है। लाखों में थे पैसे। और देखिए, व्यवहारिकता में जाइएगा तो विधायकों के पास में 10-12 लाख रुपया, देखिए ये व्यवहारिकता है। लोग भले ठीक है आपको रखना नहीं है, लेकिन हम लोग जिस लाइन से हैं, हम लोग ऑनलाइन लोगों को नहीं मदद कर सकते। हम लोगों की ये मजबूरियाँ, बहुत बड़ा रकम हमारा है। और रही बात सम्मन की, तो ये कानूनी प्रक्रिया है, ठीक है। हमारे साथी विधायक ने एक एलिगेशन जो लगाया, एलिगेशन लगाना और अपराध साबित होना दोनों अलग अलग चीज़ है। हमको हमारे साथी विधायक ने लगाया है कि भाई हम लोगों ने मोबाइल से संपर्क करके उनको प्रभावित करने का प्रयास किया, ठीक है। साक्ष्य तो नहीं है, और मैं कहता हूँ कि हम लोगों ने कभी बात नहीं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि कभी बातचीत नहीं हुई। हम लोगों को तो छोड़ दिया गया था, 0 FIR के बाद में हमको ये किया कि चलिए बात के लिए बीत गई। अभी जो सम्मन जो जारी हुआ है, निश्चित तौर से हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। अगर हमको जिस दिन ईडी अपना समय देती है, हम उनको जवाब देंगे। वैसे भी हम लोगों ने CID को बातों को रखा है, लेकिन ईडी का भी जो बात है, अगर ईडी भी अगर जानना हम लोगों से चाह रही है, तो मुझे लगता है कि FIR और 164 का जो बयान है, उस लेकर के मुझे लगता है कि जानने का प्रयास करिए। तो हम लोग जो हमारे पास में जो जवाब है, जो सत्य है, हम लोग उसको बोलने का काम। जहाँ तक आपने बोला कैश कांड कोई बड़ी रकम नहीं थी, ये आरोप या एलिगेशन हमने नहीं लगाया, आप ही के साथियों ने ये एलिगेशन लगाया कि आप लोगों ने किसी दूसरी पार्टी के लोगों के संपर्क में आए, उनसे पैसे लिए और उनसे भी संपर्क किया, उन्हें भी प्रलोभन दिया। नहीं, ये सब गलत फहमी है, गलत बात है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के जन्म से कांग्रेस के रहे हैं, और कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में आज विधायक ही हम पाए हैं। दिल दिमाग में कांग्रेस है, ठीक है ना। और मिलना जुलना, दूसरे राज्य आना जाना, वो कोई नई बात नहीं है, किसी को आप नहीं रोक सकते हैं। अगर व्यक्तिगत हमारा, अगर आदरणीय हमारे जिले के हमारे CP सिंह विधायक, अगर मुझे अगर पर्सनली कोई काम रहेगा, तो आप मुझे नहीं रोक सकते और उसका गलत अर्थ नहीं निकाल सकते। अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ, अगर हमारे यहाँ पे रेलवे का बहुत सारा काम है जिसमें हमको ROB चाहिए, अगर अभी केंद्र में तो भाजपा की सरकार है, अगर मैं अपने क्षेत्र के ROB के लिए मांग के लिए अगर रेल मंत्री से अगर मिलने जाऊं, इसको गलत अर्थ में नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूं जनता के प्रति हम लोगों की जवाबदेही है, हम लोग उसको निभाएंगे। जनता ने जिस विश्वास के साथ में, जिस विचारधारा के साथ में हम लोगों को सम्मान दिया, जो प्यार दिया, उस प्यार का सम्मान करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।